दोस्तों गुड मॉर्निंग। मैं आज स्पेशली एक वीडियो लेके आया हूँ, और जो कि ब्लॉगिंग वीडियो नहीं है ये। नॉर्मली मेरा एक जो पर्पज़ है इस वीडियो बनाने के लिए, कुछ मेरे फ्रेंड्स थे उन्होंने मुझे बोला यार कि एक जो आजकल रिलेशनशिप जो चल रही है उसके रिगार्डिंग एक वीडियो बनाना था। तो मैं ये बताता हूँ कि भाई किस डायरेक्शन में आपका रिलेशन जाना जा रहा है, वो कैसे पता चलेगा आपको। एक आपका जो आजकल जो चल रहा है टाइम पास वगैरह जो चल रहा है वो चीज़ें मैं आपको बताऊँ, किस ऐसे व्यूज़ में आपको बताऊँगा जिससे आप पहचान सकते हो कि हमारा रिलेशन बिल्कुल कितना सही है। अल्टीमेटली हमें पता होना चाहिए कि जो हमारा रिलेशन है वो उसमें चल कर रहा है, उसको कुछ तरह से कैसे ऑब्जर्व कर सकते हो कि सामने वाला आपको कैसे ट्रीट कर रहा है, ये सारी चीज़ें आपको पता हो। और क्या बिहेवियर उसका आप किसी लड़की के लड़के साथ या लड़की के लड़के कैसे होता है, तो पहचान सकते हो हमारा फ्यूचर इसके साथ है या नहीं है। तो चलो मैं आपको कुछ चीज़ें ऐसी बताता हूँ जिनसे आपको पता चलेगा कि हमारा रिलेशन कितना गहरा है और आगे फ्यूचर में क्या प्लानिंग हमारी होती है उनके साथ, लड़का या लड़की जो भी है। ठीक है, तो मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ, रिसर्च किया और चीज़ों को पता किया, जो मेरे को फीलिंग्स आई वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ अभी। देखो, अगर कहीं अब जब किसी रिलेशन चल रहा हो तो उसको कैसे महसूस करें कि ये टाइम पास नहीं है, ट्रू लव है, या कैसे आपका फ्यूचर प्लानिंग आपकी चल सकती है, तो कैसे ये चीज़ आप मैनेज करोगे। सामने वाला आपको कैसा बिहेव है, वो आपकी कितनी केयर करता है, अगर कोई आपको पसंद कर रहा है कोई इंसान, तो वो रिलेशनशिप आपका किस लेवल का है ये जानना जरूरी है। और उसके लिए कुछ चीज़ें आपको पता महसूस हो जाती हैं, कुछ फील करनी पड़ती हैं। देखो, सबसे पहला चीज़ होता है, एक आपने सुना होगा प्रियोरिटी, एक होता है टॉप मोस्ट प्रियोरिटी वर्ड। अगर कोई बंदा आपको ही एंड सी, कोई आपको अगर टॉप मोस्ट प्रियोरिटी में रखता है, मीन्स आपकी केयर करता है, आपको कोई बात करने की बातचीत करनी है तो आपको कोई एक्सक्यूजेस नहीं देता है, मीन्स कि सबसे पहले आपको रखता है, इट मीन्स कि वो आपके साथ रहना चाहता है, आपके साथ अच्छा रिलेशन बनाना चाहता है, ही एंड सी दोनों ही बनाना चाहते हैं। दूसरी चीज़ है कि लॉन्ग टर्म के लिए आपकी फ्यूचर प्लानिंग करना चाहता है। इसमें होता क्या है कि वो आपको एक्सक्यूजेस नहीं दे रहा है, दूसरी चीज़ आपका साथ रहना चाहता है, तीसरी वो 24 घंटे बिजी भी है अपने बिजनेस में, अपनी जॉब में, अपने काम में बिजी है, फिर भी आपको पूरा प्रायोरिटी दे रहा है, आपसे बात कर रहा है, आपकी कॉल का जवाब दे रहा है, आपके मैसेज का जवाब दे रहा है, आपको वैल्यू दे रहा है, आपकी कदर कर रहा है। इसको कैसे भी कह सकते हो कि वो आपकी कदर कर रहा है, वो आपकी वैल्यू कर रहा है। तो कुछ चीज़ें महसूस की जाती हैं कि वो आपको किस तरीके से चीज़ें आपके साथ करना चाहता है। तो होता क्या है, दूसरी ये कि आपको किस चीज़ में प्रायोरिटी, एक वर्ड प्रायोरिटी आपने सुना है और टॉप मोस्ट प्रायोरिटी वो दे रहा है, तो इट मीन्स कि कुछ ना कुछ भाई है आपकी जो रिलेशन में, कुछ ना कुछ चीज़ें हैं। दूसरा एक पॉइंट हम जो मैंने नोटिस किया चीज़ों को लेकर, कि वो आपके लिए पोजीशन है, आपकी केयर करता है, थोड़ा सा मतलब जेलस हो जाता है किसी चीज़ को देख के। मान के चलो जेलस ये है कि हिंट सी, मान के चलो मैं लड़का हूँ और मेरे साथ किसी के साथ रिलेशन में मेरा अच्छा चल रहा है, और मैं किसी 5-7-10 फीमेल्स के साथ कहीं बैठा हूँ, पार्टी वगैरह में गया या मैं कहीं गया, तो और उसको पता चलता है जेलस है थोड़ा सा, तो केयर करना कि भाई कहाँ हो क्या है। देखो ये चीज़ होती है, अपोजिट होता है तो भी ठीक, ऑब्वियस ही बात है कि कहीं ना कहीं चीज़ें, अगर ये है तो भाई कुछ ना कुछ है आपके साथ, कि जो दोनों के बीच में कहीं ना कहीं समझना चाहिए, रिलेशन अच्छा गहरा होता जा रहा है। देखो टाइम पास के लिए ठीक है, अगर ये सोच दिया जाए कि भाई ठीक है कोई भी है, कि कहीं भी कैसे भी कर रहा है, कोई भी कैसे कर रहा है, तो फर्क नहीं पड़ेगा उनको, तो इसका मतलब है कि भाई नहीं, बट आपको थोड़ी सी केयर, आपकी केयर की जा रही है, आपके लिए आपका पोजीशन आपके लिए थोड़ा सा जेलस है, तो सीधी सी बात है कि कहीं ना कहीं चीजें आपके साथ हैं। देखो तीसरी चीज आती है कि आपके साथ कुछ प्लानिंग शेयर करते हैं, अपना ही एंड सी कोई भी दोनों, आप मान आपस में प्लानिंग शेयर कर रहे हैं, फ्यूचर प्लानिंग शेयर कर रहे हैं, प्लानिंग बना रहे हैं, तो ये चीज़ों से इसका मतलब है यार कोई ना अपने सीक्रेट्स नहीं बताता किसी को भी। अगर आपको टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे दे रहा है तो ही आपको सीक्रेट्स वो बता रहे हैं, इट मीन्स कि वो आपके फ्यूचर प्लानिंग में आपके लिए सोच रहा है, आपका ट्रू लव आपके साथ है, आपके साथ कुछ ना कुछ आगे का रिलेशन बहुत अच्छे होने वाले हैं। तो ये चीज़ें, दो तीन चीज़ें तो ये हुई, एक मोस्ट और एक चीज़ और भी होती है कि तब आप, सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर आपको ही एंड सी लड़का या लड़की आपके परिवार में आपको मिलवाना चाहता है, बात कराता है, और आप दोस्तों के बीच में आपको रख मतलब प्रेजेंट करता है, आपको बताता है, तो इट मीन्स कि यह देखो कहीं ना कहीं रिलेशन आपका दोनों का अच्छा होने वाला है और अच्छा चल रहा है। क्योंकि एक वर्ड यूज किया कि टॉप मोस्ट प्रायोरिटी, टॉप मोस्ट प्रायोरिटी में यही आता है कि आपको कहाँ पर, आपके लिए कितना टाइम आपको दे रहे हैं अभी, ठीक है, तो आपके लिए वैल्यू कितनी है, वो सारी चीज़ें आपके लिए रखी जाती है अभी। तो मेरा मानना यही है कि वो आपको कितनी प्रायोरिटी दे रहे हैं।
हमारा ऐसा मत सोचना यार मेरे लिए टाइम नहीं निकाल रहा। देखो दोनों ही रिलेशन जब अच्छे चलते हैं तो टाइम एक दूसरे के लिए निकालते हैं, कितना भी बिजी हो जाए बहुत अच्छा रिलेशन होता है दोनों के लिए, एक साथ निकालते हैं टाइम। और सीधी सी बात है कि फ्यूचर प्लानिंग के लिए दोनों साथ चल रहे हैं तो सारी चीजों को संभालते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं, आगे चीजें बनाते हैं, तो ये चीजें एक रिलेशन्स में होती हैं अभी। और एक दूसरे को कमिटमेंट कर देते हैं एक दूसरे को भी, लॉन्ग रन भी होता है जब वो लॉन्ग रन चलता है ना रिलेशन, तो लॉन्ग रन में केयरिंग भी आती है, ये सारी चीज आती है। मैंने सारी चीजें बताई आपको अभी।